नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रबोध इरावार और आयुर्वेद लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है कार्य कारण सिद्धांत। कारण किसे कहते हैं? कारण उसे कहते हैं जो कार्य को उत्पन्न करता है, उसी को हेतु भी कहते हैं और वही कर्ता भी होता है। जो कारण से उत्पन्न होता है उसे कार्य कहते हैं, अर्थात जिस उद्देश्य से कर्ता क्रिया में तत्पर होता है उसे कार्य कहते हैं। लकड़ी से चेयर उत्पन्न होती है, इस उदाहरण में लकड़ी कारण है और चेयर कार्य है। कार्य कारण सिद्धांत या कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी को समझने के लिए विभिन्न दर्शनों ने अलग अलग वाद या थ्योरीज बताई है। जैसे सांख्य दर्शन ने सत्कार्यवाद बताया है, न्याय वैशेषिक दर्शन ने असत्कार्यवाद बताया है, वेदांत दर्शन का विवर्तवाद है, बौद्ध दर्शन का क्षणभंगुरवाद है, चार्वाक दर्शन ने स्वभाववाद बताया है और परमाणुवाद वैशेषिक दर्शन ने बताया है। सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन द्वारा वर्णित है। सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य के कारण से उत्पन्न होने से पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में रहता है, अर्थात कार्य के उत्पन्न होने से पहले कार्य का एग्जिस्टेंस कारण में किसी फॉर्म में तो रहता है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो वस्त्र के उत्पन्न होने से पूर्व उस कपड़े का अस्तित्व उन धागों में होता है। धागे यहाँ पे कारण है और कपड़ा यहाँ पे कार्य है। इसे दूसरे रूप में समझा जाए तो प्रत्येक पदार्थ अपने अपने कारण में अव्यक्त रूप में उपस्थित रहता है, उसी को साधनों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जिस वस्तु में जिस कार्य की उपस्थिति नहीं रहती वह उससे कभी भी व्यक्त नहीं हो सकता है। उदाहरण, रेत में तेल की उपस्थिति नहीं होती है, इसलिए किसी भी साधन द्वारा हम रेत से तेल नहीं निकाल सकते। असत्कार्यवाद, वैशेषिक और न्याय दर्शन ने इसका वर्णन किया है। कार्य के कारण से उत्पन्न होने के पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं रहता है। देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ कार्य इन कारण बिफोर इट्स डेवलपमेंट। चेयर के उत्पन्न होने से पूर्व चेयर का एग्जिस्टेंस लकड़ी में नहीं रहता। असत्कार्यवाद को ही आरंभवाद भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कार्य को उत्पन्न या आरंभ किया जा रहा है। विवर्तवाद, विवर्तवाद का वर्णन वेदांत दर्शन ने किया है। कार्य कारण को समझने के लिए ये एक और वाद वेदांत दर्शन ने बताया है। इस वाद को समझने से पहले इस वीडियो को जरा देखते हैं। इस वीडियो में यह दिखाया गया है कि यह जानवर मगरमच्छ को लकड़ी समझ लेता है, अर्थात इस जानवर को एक तरह का हेलुसिनेशन या भ्रम होता है। तो कार्य कारणवाद के संदर्भ में विवर्तवाद भी यही कहता है कि कार्य जो है वो कारण का विवर्त है, अर्थात कार्य जो है वो कारण का हेलुसिनेशन मात्र है या आभास मात्र है, यही विवर्तवाद है। क्षणभंगुरवाद, बौद्ध दर्शन ने क्षणभंगुरवाद का वर्णन किया है। वस्तु का निरंतर परिवर्तन होता रहता है, कोई भी वस्तु एक क्षण से अधिक स्थायी नहीं रहती। क्षणभंगुरवाद के अनुसार वस्तु की एक क्षण में उत्पत्ति, दूसरे क्षण में स्थिति और तीसरे क्षण में लय या विनाश हो जाता है। कारण द्रव्य कार्य द्रव्य को उत्पन्न कर क्षण में नष्ट हो जाता है, उसी तरह अगले ही क्षण यह कार्य द्रव्य कारण रूप लेकर दूसरी अवस्था को प्राप्त होता है और नष्ट हो जाता है। इसी तरह कार्य और कारण की श्रृंखला चलते रहती है। कार्य कारण की श्रृंखला एक सतत गतिशील प्रवाह है। इस उदाहरण में बताया गया है कि लकड़ी से चेयर बनते समय कई स्टेजेस से उसे गुजरना पड़ता है। स्टेज टू का कारण स्टेज वन है, स्टेज थ्री का कारण स्टेज टू है और स्टेज फोर का कारण स्टेज थ्री है।
स्टेज वन की लकड़ी स्टेज टू में कन्वर्ट होके नष्ट हो जाती है, उसी तरह स्टेज टू की लकड़ी स्टेज थ्री की चेयर में कन्वर्ट होके नष्ट हो जाती है। इन द सेम वे स्टेज थ्री की चेयर स्टेज फोर की चेयर में कन्वर्ट होके नष्ट हो जाती है। यही क्षणभंगुरवाद के अनुसार कार्यकारण सिद्धांत है। स्वभाववाद। स्वभाववाद का वर्णन चार्वाक दर्शन ने किया है। इसके अनुसार कारण का कार्य में परिवर्तन स्वभाव से होता है। इन अदर वर्ड्स रीजन बिहाइंड कॉज एंड इफेक्ट इज स्वभाव अकॉर्डिंग टू चार्वाक दर्शन। परमाणुवाद। वैशेषिक दर्शन द्वारा परमाणुवाद का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार परमाणुओं के संयोग और विभाग से वस्तुओं की उत्पत्ति और विनाश होती है, अर्थात एटम्स के एक होने से और अलग होने से वस्तुओं की उत्पत्ति और विनाश होता है। इस विषय को और डिटेल में जानने के लिए आप मेरी पुस्तक सचित्र पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास पढ़ सकते हैं। कार्यकारण से संबंधित अन्य सिद्धांत जैसे पिलुपाकवाद, पीटरपाकवाद, स्वभावोपरमवाद आदि सिद्धांतों को हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में देखेंगे।